अपोलो श्रृंखला का पहला मानवयुक्त मिशन अपोलो 7 था, जिसे 11 अक्टूबर 1968 को सैटर्न आईबी के ऊपर लॉन्च किया गया था। बोर्ड पर वाल्टर शिर्रा, डॉन इसेले और वाल्टर कनिंघम थे। 10 दिवसीय उड़ान का उद्देश्य पृथ्वी की कक्षा में कमांड और सर्विस मॉड्यूल की प्रणालियों का परीक्षण करना था। घातक अपोलो 1 आग के बाद कमांड मॉड्यूल का एक प्रमुख नया स्वरूप हुआ था और यह मिशन कक्षा में नए ब्लॉक 2 अंतरिक्ष यान CSM-101 के पहले परीक्षण का पहला अवसर था।